पंजाब में बहती ब्यास नदी के किनारे हरियाली से घिरी हुई नई इमारतों की एक बस्ती है, जहां स्थित है दुनिया की मशहूर दार्शनिक पंथों में से एक राधा स्वामी सत्संग ब्यास, जिस गुरु के 40 लाख अनुयायी उन्हें प्यार और आदर से बुलाते हैं बाबा जी बाबा जी। मिलिए गुरिंदर सिंह ढिलो से, उन्हीं भक्तों में से एक है बॉलीवुड के स्टार शाहिद कपूर। मैंने तुम्हारे लिए एक उचित जीवन साथी का चुनाव किया है, मीरा राजपूत, तुम दोनों एक साथ बहुत खुश रहोगे। जी बाबा जी। पर यही बाबा जी रेनबैक्सी के मलविंदर और शिविंदर सिंह के पतन का भी कारण बन गए, जिन्होंने अपनी सारी जायदाद कुल 22,500 करोड़ अपने गुरु पर न्योछावर कर दी और खुद बन गए कंगाल। हमारे हाथ से सारी कंपनियां चली गई, फोर्टिस, रेलिगियर, एसआरएल, सब कुछ। 1973 में स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने के बाद रेनबैक्सी भारत की सबसे सफल फार्मा कंपनी बन गई, जो पेटेंटेड दवाइयों जैसे वैलियम की नकल करके सस्ते कामपुस बुलाकर बेचती थी। 1958 में परिवार के कुलपति भाई मोहन सिंह ने जायदाद अपने तीनों बेटों में बांट दिया। मंजीत सिंह को दी कीटनाशक दवाइयां बनाने वाली मोंटारी इंडस्ट्रीज, अनिलजीत सिंह के हिस्से में आई इंश्योरेंस व्यवसाय मैक्स इंडिया और परविंदर को मिली रेनबैक्सी। पर साल भर बाद ही मलविंदर और शिव के पिता परविंदर का देहांत हो गया। उस दुखद समय में दोनों भाइयों के सर पर हाथ रखा गुरविंदर सिंह ढिलो ने, जो उनके दूर के मामा भी लगते थे। पर इस वक्त वे बहुत से विवादों में फंसे हैं, खासकर पैसों के लेन देन के मामले में। कुछ पारिवारिक झगड़ों और भाई मोहन सिंह के मरने के बाद जब 2006 में सिंह भाइयों को रेनबैक्सी की कमान मिली, तो बजाय उसको चलाने के उन्होंने उसे 2 साल बाद जापान की तीसरी सबसे बड़ी फार्मा कंपनी डाइची सेंक्यो को 1,50,000 करोड़ में बेच दिया। फिर मिले हुए पैसों को फोर्टिस हेल्थकेयर और रेलिगियर में डाला, एक को भारत की सबसे बड़ी अस्पताल श्रृंखला बनाई और दूसरे को प्रसिद्ध NBFC। पर इतने पढ़े लिखे भाइयों ने आखिरकार रेनबैक्सी जैसी इतनी लाभदायक कंपनी को बेचा ही क्यों? कहीं ऐसा तो नहीं कि रेनबैक्सी पहले से ही मुसीबत में थी? इधर सिंह भाई अपनी कंपनी को बेचने की तैयारी में थे और उधर अमेरिकन FDA और डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस उन पर केस बना रहे थे। आपने दवाइयों के बारे में गलत जानकारी दी और लैब रिपोर्ट्स में भी घोटाले किए हैं। 2009 में जब तक FDA रेनबैक्सी की 2 दर्जन से भी ज्यादा दवाइयों पर प्रतिबंध लगाती, दाइची के साथ सौदा तमाम हो चुका था। मगर दबाव बढ़ गया और 2013 में दोनों भाइयों ने अमेरिकन कोर्ट में ये माना, हम लैब हेराफेरी के मामले में अपना जुर्म कबूल करते हैं और अमेरिकी सरकार को 3,500 करोड़ जुर्माना देने के लिए हम तैयार हैं। दाइची ने भी धोखाधड़ी के मामले में उन पर केस किया था और सिंगापुर ट्रिब्यूनल ने सिंह भाइयों पर 4,000 करोड़ का दंड लगाया, जो दिल्ली हाई कोर्ट ने भी मान्य किया। रेनबैक्सी की डील के दौरान सिंह भाइयों ने दाइची को कंपनी के बारे में पूरी जानकारी जानबूझकर नहीं दी। दूसरी तरफ एक और मुसीबत उनके सर पर आ गई, न्यूयॉर्क फर्म सिगुलर गुफ, जो कि रेलिगियर में 6% की हिस्सेदारी रखते थे, उन पर इल्जाम लगाया, इन्होंने हमारी कंपनी के पैसों से अपने निजी कर्जे उतारे हैं। उस दौरान रेलिगियर और RHC को सुनील गोदवानी नामक एक व्यक्ति चलाते थे, जिसे खुद बाबा जी ने ही सिंह भाइयों से मिलवाकर सुझाव दिया था, रेलिगियर को गोदवानी से अच्छा और कोई नहीं चला सकता। जी बाबा जी। गोदवानी के रहते रेलिगियर ने 21 कदाचित अलग अलग कंपनियों को कर्ज दिए, जिसे मिलते ही 2000 करोड़ एक ही दिन निजी कंपनियों के खाते में डाले गए। उन कंपनियों में से कुछ सिंह भाइयों की थी, पर ज्यादातर बाबा जी के परिवार के सदस्यों की, जिन्होंने अभी तक वो पैसे नहीं लौटाए। पर ये बात साफ थी, हालांकि गोदवानी कंपनी सिंह की चलाते थे, पर वफादारी किसी और की किया करते थे। मैं सिर्फ बाबा जी का ही जवाबदार हूँ। इसी दौरान सिंह भाइयों ने अपनी कंपनियों के शेयरों को बैंक में गिरवी रख कर्ज लिया और मिले हुए सारे पैसे भी बाबा जी की कंपनी को दे दिए और खुद कंगाली की ओर बढ़ते गए। और जब एनफोर्समेंट डायरेक्टर ने उनसे पूछताछ की, तो भाइयों ने सभी ओहदे छोड़ दिए, देखिए हमारे पास कुछ नहीं बचा है, इतना पैसा भी नहीं है कि जुर्माना भी भर सकें। हालांकि उनको रेनबैक्सी सौदे में 15,000 करोड़ मिले थे, दोनों भाइयों ने अपने नाम के बल पर पैसे उधार लिए और बाबा जी से जुड़ी कंपनियों को कुल मिलाकर 22,500 करोड़ रुपए दे दिए, जिससे उन्होंने जमीनें खरीदी, 2,60,000 वर्ग फुट दिल्ली में, 5,00,000 नोएडा में, 3 फार्म हाउस असोला दिल्ली में, 20 एकड़ जमीन गुड़गांव में, 80,000 वर्ग फुट अहमदाबाद में। जल्द ही दोनों भाइयों के बीच में मतभेद भी बढ़ गए। मलविंदर और गोदवानी ने 1,223 करोड़ का खपला किया। शिव ने ब्यास की गद्दी के लालच में ढिलो को 8,646 करोड़ दे डाले। ये कहते हुए कि उसने अपने गुरु के चरणों में संन्यास ले लिया था,
मैं एक फलती फूलती कंपनी को पूरे विश्वास के साथ इनके हाथ छोड़ गया, जिसको मलविंदर ने 2 साल में ही तबाह कर दिया। रही सही कसर मलविंदर ने पूरी कर दी जब उसने अपने जख्म एक वीडियो में दिखाए। शिव ने मुझ पर हाथ उठाया। ये सब होने के बावजूद सिंह भाई अपने गुरु से रिश्ता नहीं तोड़ना चाहते थे। देखिए, उन्होंने जो कुछ भी किया प्यार में किया और हमारे भले के लिए ही तो किया। 5 लाख से ज्यादा भक्त बाबा जी के आश्रम में ध्यान, शाकाहारी, भाईचारा और हमदर्दी पर उनके प्रवचन सुनने आते हैं। उच्च विचार और अच्छे कर्म हमें जीवन मरण के चक्र से आजाद कर सकते हैं। ढिलों, जो पंजाब में जागीदारों के परिवार में जन्मे थे और कभी स्पेन में बिजनेस करते थे, अब अपने इस नए अवतार में व्यास के अनुसार साधारण जीवन बिताते हैं और अपनी साफ छवि के लिए भी जाने जाते थे। यहाँ तक कि जो लोग उनके भक्त नहीं रहे, जैसे अमेरिकन ब्रायन हाइंस, जो 35 साल की आस्था के बाद उनसे मायूस हो गए, वो उनकी बुराई में सिर्फ इतना कहते हैं कि बाबा जी को पैसा प्यारा है, पर सच पूछें तो ये बुराई कुछ हद तक हम सब में है। मुझे लगता है कि वो व्यापारी पहले हैं और गुरु बाद में। बाकी ढोंगी बाबाओं की तुलना में बाबा जी का दामन आज भी साफ है। देखिए बिस्बो के 2 वीडियो राम रहीम और आसाराम पर। किसी को अपने पैसे दे देना कोई गुनाह नहीं है और सिंह भाइयों पर अब तक कोई कानूनी इल्जाम भी नहीं लगा है। पर पुश्तों की मेहनत से कमाए हुए करोड़ों रुपयों को यूं गवा देना अपने पूर्वजों का अपमान नहीं तो आखिर क्या है? बिस्बो की शायरी। रणबैक्सी की डोल रही मछधारे में नाव, सिंह बंधु ना कर सके उसका रख रखाव। बिजनेस के ऊपर रखें व्यक्तिगत जज्बात, गलत फैसले ले लिए बिगड़ी सारी बात। क्या आपको हमारी कहानी पसंद आई? तो सब्सक्राइब करें बिस्बो हिंदी चैनल को और साइट के इस बेल आइकन पे क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि आपको मिल सके हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। धन्यवाद।